बताता हूँ, मैं हूँ आपकी होस्ट तमिला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद तमिला। तो आज मैं आपको बहुत मज़ेदार माश की दाल और चिकन बनाना सिखा रही हूँ। इसको बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, इसके लिए मैंने हाफ कप ऑयल लेना है, ठीक है, 2 टमाटर लेने हैं, चाहे टमाटर प्योरी ले लें चाहे आप फ्रेश टमाटर 2 ले लें, ठीक है, दरमियाने साइज़ के। माश की दाल मैंने बॉईल कर ली है 5 मिनट के लिए और इसको ये तकरीबन 1 कप के करीब मैंने लिया है। ये मैंने चिकन लिया है, थाई का चिकन लिया है और छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, 1 किलो के करीब लिया है। प्याज मैंने ली है, स्लाइस में कर ली है, एक बड़े साइज की आपने प्याज लेनी है। ये लहसुन और अदरक, ये लहसुन का पौधा है, लहसुन समेत, बहुत ही अच्छी खुशबू है इसकी, ये ज़रूर डाला करें। ये घर में ही मैंने लगाया हुआ था और ये मैंने बारीक बारीक लहसुन काट लिया है पौधे समेत, और अदरक ये भी बारीक बारीक ऐसे लंबाई के रुख मैंने काट लिए, ठीक है। ये 1 टेबल स्पून आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा गार्निश के लिए मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें ली हैं, 4-5 हरी मिर्चें ले लें और थोड़ा सा हरा धनिया ले लें। उसके अलावा पिसे हुए मसाला जात में हमने नमक लेना है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हमने धनिया लेना है, 1 टीस्पून हमने पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हमने पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून हमने हल्दी का लेना है। उसके अलावा 1 टेबलस्पून हमने मेथी लेनी है और 1/2 टीस्पून काली पिसी हुई मिर्च और 1/2 टीस्पून हमने पिसा हुआ गरम मसाला लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हमने गैस ऑन कर ली और ये हमने प्याज डाल दी, ठीक है। प्याज डाल के हमने इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है। ये हमने 1/2 कप के करीब, ये मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, आप चाहें तो कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 कप के करीब मैंने ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसको ब्राउन करके आपको दिखाती हूँ। तो ये ब्राउन हो गई है, ये देखें, इसको बहुत ज़्यादा काला नहीं करना, ये बस इस तरह से ब्राउन करनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये टमाटर, लहसुन, ये जो मैंने गार्डन से उतारा था, ठीक है, और ये प्याज, ये तीनों चीज़ें हम एक साथ डालेंगे और हम इसको बारीक पीस लेंगे। अब मैं आपको पीस के दिखाती हूँ और फिर हमने इसको वापस ऑयल में डालना है। तो अब हम इसको पीसते हैं। ये हमने इसमें इसको ऑयल में डाल दिया और ऑयल में डालने के बाद हम ये तमाम मसाला जार, नमक, धनिया, मिर्चें, ज़ीरा और कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी, ये तमाम चीज़ें हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। ये मैं एक दफ़ा इसलिए रिपीट कर देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अब हमने इस मसाले को अच्छा सा भून लेना है, तो 5 मिनट भून के ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसमें हमने चिकन ऐड करना है। तो ये मसाला देखें भुन गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये चिकन डाल देंगे। ये चिकन मैंने डाल दिया और चिकन डाल के हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करके तकरीबन हम इसे 10 से 12 मिनट तक हम इसको खूब अच्छी तरह से भूनेंगे। पहले इसका थोड़ा सा पानी खुश्क होगा, उसके बाद फिर हम 10 से 12 मिनट तक हमने इसको अच्छा सा भूनना है। तो अभी मैं 10 से 12 मिनट का टाइम आपको भून के दिखाती हूँ। तो अब हम इसे देखेंगे, ये देखिए इसका घी भी ऊपर आ रहा है। अब हम इसमें ये दाल ऐड करेंगे, ये जो माश की दाल थी, ये जो बॉयल हुई हुई थी, ये हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि ये इसमें जो थोड़ी सी कसर है ना माश की दाल में, वो इसके साथ ही निकल जाए। तो अब हम इसमें तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी भी मिक्स करेंगे और फिर हम इसको पकने देंगे, ये, ताकि माश की दाल में जो थोड़ी बहुत कसर है ये निकल जाएगी पानी डालने से और ये अच्छी सी मिक्स होके यकजान हो जाएगी। तब तक हम 10 से 15 मिनट तक इसको हम पकाते हैं। ये देखें, ये कितना मज़े का लग रहा है और कितना अच्छा सा बन गया है, ठीक है।
दाल भी खूब गल गई है, चिकन भी खूब बन गया है, गल गला गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ये मेथी, इसको ऐसे थोड़ा सा मसल लिया करें तो उसकी खुशबू ज़रा तेज़ हो जाती है। और यह बन गया है, अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसमें हमने ना थोड़ी सी अदरक भी मिक्स कर दी, ठीक है, छिड़कने के लिए भी रखेंगे लेकिन हमने थोड़ी सी अदरक मिक्स कर दी। और सिर्फ 2 मिनट के बाद मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें ये कितनी शानदार लग रही है, ठीक है। ये हमने इसमें हरा धनिया थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे, बहुत बारीक सा करके काटेंगे। ये देखें जी, ये हरा धनिया हमने डाल दिया, ठीक है। और ये हमने इसमें हरी मिर्ची डाल दी, हरी मिर्ची कुछ कुछ इसके अंदर भी मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने हरी मिर्ची डाल दी और ये अदरक, इसका तो टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है इसमें, माश की दाल में अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा है। तो ये हमने बारीक बारीक सी हमने अदरक काटी हुई है और ये हमने छिड़क दी। तो ये हमारी दाल, चिकन दाल हमारा रेडी हो गया। लीजिए जनाब, मज़ेदार सी माश की दाल और चिकन रेडी है, बहुत मज़े का खाना है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। इसके साथ मैंने हरी मिर्चों का अचार भी रखा है और ये बहुत मज़े का लगता है। अगर आपको हरी मिर्चों के अचार की रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगी, ज़रूर देखिएगा। और अगर माश की दाल की रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। और मुझे दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।